वाली आई, हिंदी वाली आई, छोड़ो और जैना सड़कों पे रश है तो ये देखे यार बहुत अच्छा है। कहे हस्बैंड ने जेड़े बुके बना बना देंदे। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार आज है ईद का दूसरा दिन। रात को मैं इतना थकी हुई थी और मैं सो गई थी कि मैंने ईद के कपड़े तक चेंज नहीं किए थे और मुंह से मेकअप भी नहीं उतारा था। तो खैर आज मैं आपको अपने दूसरे दिन का जोड़ा दिखाती हूँ। ये मेरे ईद के दूसरे दिन का जोड़ा है, ग्रीन से कलर का और सिंपल सा। हीरा कमरे में मेकअप करने आई हूँ। हीरा अपने कमरे में खुद तो है नहीं। हीरा ने आज पहनना है पर्पल कलर का सूट। ईद के सेकंड डे के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। इट्स माय लुक। जैना मैडम जो है ऊपर पोनी बांध के तैयार हो रही है। आपके घर जाना है आज हमने। चलो कोई बात नहीं, आपके घर जाके मजा कर लेंगे। मेरा ड्रेस चेक करो। ये ड्रेस है आज जैनब के ईद के सेकंड डे का। ब्लू कलर मैंने पहना था। आज मामा ने ईद के सेकंड डे ये जोड़ा पहनना है। सबसे लेट तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे पता तुम लोग इतना टाइम लगाते हो। मैंने ऐसे आप देख सकती है कि आज मैं सबसे पहले रेडी हुई हूं। आपका भी ग्रीन ड्रेस है आज। वाजी वाह, आज मैंने मामा के साथ ट्विनिंग मार ली है। ट्विनिंग आप फटाफट से पहनो फिर हम दिखाते हैं क्या मस्त ट्विनिंग मारी है मामा ने। मुझे खुशबू भी आई जा रही है और मैं पता नहीं क्या हो रहा है। ये पता खुद ही घी रखा हुआ है। अच्छा देसी घी घर पे बनता है ना हमारा, तो वो मामा यहाँ पे बना रही है। आज के नाश्ते में जो है ना वो हम खाएंगे खीर। कल के नाश्ते में जो थी वो तो नसीब नहीं हुई थी खाना। कल जो है शूट करवाने में इतना बिजी हो गए थे। मामा ने निकाल दिया खीर। मामा सबके लिए डाल दे, सबने नाश्ते नहीं किए हुए, सबको देते हैं जाके। किस किस बच्चे ने खीर खा ली है, कौन खीर खाने के मूड में है। खीर वाली आई, खीर वाली आई। सबसे पहले राधा को खीर का चूरा भेजते हैं। ये वाला चूरन लेके आ गई हूँ खीर का। मैंने अभी कुछ नाश्ता भी नहीं किया। तो नाश्ता खीर है ना, उठा लो एक पूरी अपनी उठा लो। पूरी खाओ मामा ने कहा है। सुबह सुबह अच्छी चीज है, क्यों मैं खाऊंगी। राधा खीर बहुत अच्छी चीज है, इतनी हेल्दी होती है। इनको सुबह सुबह गोलगप्पे खिलाओ। बहुत मजे की खाओ, ये खत्म होनी चाहिए। नहीं तो ये देखो वो हैंगर पड़ा है ना, उसी से पिटाई करूंगी। खीर वाली आई, खीर वाली आई। अब जैनब को खीर देने जाते हैं। खड़ी होके अपने बालों का स्टाइल बना रही है आईब्रोज वाले ब्रश से। जैनब यार मेरे बाल काफी ऑयली थे इसलिए मैं इससे बना। तो नहा लेते हैं बंदा। ये लो खा लो। मामा ने खीर भिजवाई है और इसमें मेरा प्यार शामिल है। क्या दिखाओ, पागल हो गई है जैनब। सारी फ्रॉक पे दाग लगा लिया, व्हाट द हेल। तुम्हें पता है मेरा कितना दिल कर रहा था खीर खाने का इस टाइम। थैंक यू। और आंखों पे मेकअप ऐसे इसने कर लिया है। नहीं नहीं अच्छी, तू चुड़ैल लग रही है। चुड़ैल नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। जो आपको खुद को अच्छा लगे वही कर चाहे। जैसे जैनब है ना उससे सीखो कुछ। ये भाई बिहाइंड द सीन चेक करें, जो इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाती है ना उसकी ये स्ट्रगल है। अबे जल्दी तैयार हो जाए यार, 5 मिनट में रेडी हो जाए। अच्छा लाइट का मुंह उधर किया हुआ है यार वो भाई। इस लड़की की खीर यहाँ पे पड़ी हुई है। खाना खा ले, बाद में हड्डियां निकाल लेती है अपनी। ये मैं मोटी हो गई हूँ। इस हथेली पे मेरी ईदी रखो। मैं तुम्हें कल ईदी देने आई, सबको मैंने दी। मैंने कहा फातिमा किधर, फातिमा सो गई है। तो यार मेरे साइड टेबल पे रखकर चली जाती ईदी तुम। मैंने तुम्हारी ईदी मामा को दे दी थी, अब तुम्हारी ईदी मामा के कब्जे में। अच्छा मामा के पास है। मामा इसने ईदी दी थी ना मेरी। कितनी? 5000। 5000 दी थी वो मुझे। आपने दे देनी, अपनी जेब में नहीं रखनी। मैं भी तुम्हारी, ईदी भी तुम्हारी। तो देना ईदी मेरी ना। मामा 5000 जब्त ना करें आप। मेरे पास मैं तेरे साथ। ये देख रहे ऐसे जब्त होती है ईदियाँ। हीरा ने मामा को पकड़ा दी मेरी और मामा ने जी खुद रख ली। ईदी वाली आई, ईदी वाली आई। आज राबिया जैनब को ये ईदी देती हूँ। किसको ईदी चाहिए? पहले राबिया बड़ी है ना, तो राबिया को दी जाएगी। सासा मेकअप थोपड़ी है राबिया। पैसों को देखे बगैर बोलो, डिमांड बोलो। 10000, 50000। अच्छा आपकी से 10 मिली और मेरे से 50। छोटे सारे नोट दिए जाएंगे जैनब, नहीं और बड़े सारे नोट दिए जाएंगे। छोड़ो जैनब, चल कोई नहीं, तेरे भी बहुत ज्यादा है। उसको मैंने बड़े नोट दे दिए, तू ये वाले, ये सारी तेरी, ये सारी, ये तेरी। 20000 दे रही हो। कितने ज्यादा नोट है यार, गिनते गिनते तो बूढ़ी हो जाएगी। मामा ने भी मुझे ऐसे ही दिए थे, मैं गिन गिन के थक गई थी। सॉरी आप। अरे रख ले पकड़। नहीं या तो ये या तो कोई भी नहीं। देखना बेटा बच्चों को ये भी मिल जाए तो बहुत बात होती है। तुझे इतने मिल गया, नखरे दिखा रही है। तूने इतने दिए 10 के और इतने दिए 50 के और इतने दिए 100 के। ना शुक्री कहीं की ना हो तो पागल हो रहा। इसको एक पनिशमेंट दो, इसने ईद वाले दिन तुम्हें ईदी नहीं दी, दूसरे दिन दे रही है। क्या हो गया यार, जुर्माना दे। मैंने टाइम पे दी है, तुमने दूसरे दिन दे। ईद 3 दिन होती है अगर तुम लोगों को पता हो तो। ये क्या बिहेवियर है, दुपट्टा फेंका हुआ, बैग फेंका हुआ। लग तो ये मुझे हेरा का ही दुपट्टा रहा है। फ्रॉक का फ्लेयर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह चक्कर आ रहे हैं। सब लड़कियां जो है वो रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। मेरी ब्यूटीफुल चिड़िया, हील्स के वो बंद करो, पागल गिर जाओगी रस्ते में। राबिया निंजा टेक्निक बता रही है। अगर आपने लिपस्टिक लगाई और ऊपर ना लग जाए तो आप ऐसे पानी पियो।
और मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी अदा करते हुए दूध जो है डोल में डाल रही है, फ्रिज में रखना है, पीछे से खराब ही ना हो जाए। एग्जैक्टली, ये सिर्फ फिकर माओ को ही होती है। राबिया का दुपट्टा जो है वो गेट में अड़ चुका है, राबिया फट ना जाए यार, लाइफ ऑफ व्लॉगर्स। टनन टनन टनन, सेकंड डे की ब्यूटीफुल सी राबिया की लुक, मुटियार लग रही है प्यारी। चलो हीरा तुम भी लगते हाथों लुक दिखाई दो, मुंह बसोर के जा रही है, जुड़ा बांध लिया आज इसने मुटियार, और लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल बदतमीजी कर दिया। भाई मेरी मम्मी की जो है ईद के सेकंड डे की ये लुक है, मैं और मामा जो है वो आज ग्रीन ग्रीन बने हुए हैं, मैं और मामा जो है ना वो ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फॉरेस्ट बने हुए हैं आज। लग रहा हम दोनों बेटियां, बेटियां नहीं माँ बेटियां। We are ready to go. चलो चलो लेट हो रहा है, बाद में कर लेना। पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, कल मैंने ये वाले हील्स पहने थे और मेरे पाँव इतने दुखे थे ना, मैं इसे मशवरा दे रही थी राबिया मत पहनो मत पहनो, पर बड़ी बहनों की बातों को मानना ही नहीं होता, कहती नहीं 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 मम्मा कोई बात नहीं मैं हील्स पहन लेती हूँ। हीरा तू गड्डी चला ले, सानू तेरा ले जाई, व्लॉग छोड़ दे। गाइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है शेर, इसीलिए सब बच्चे ईद के दूसरे दिन यहाँ पे आए हुए हैं शेर देखने। मैंने क्यों देखना है, मैं तो खुद एक शेर नहीं हूँ। बच्चों जो घर बैठ के आपको सब लोग कह रहे होते हैं ना कि बाहर नहीं जाना, बाहर सड़कों पे रश है, तो ये देखे मैं आपको रश यहीं से ही दिखा देती हूँ, ये देख ले इतना इतना रश होता है बाहर, इसलिए घर ही बैठा करो ईद के दिन। जैनब बिल्ली ने आज ऐसा ट्रेनिंग की हुई है, और ये बिल्ली मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मैंने आज इसको ईदी भी देनी है। तुम्हें अब क्या होगा, मुंह इतना गमगीन क्यों बना लिया। ये बैग बहुत वजनी है गाइस, अगर आप मुझसे इस बैग का वजन पूछे ना तो ये 5 किलो का है ये। चल कोई नहीं, हाय मम्मा, ये देखो ये देखो ये देखो राबिया, क्या पूरे आप ही के गैराज में जो है ना झाड़ू फेर रहा है पूरा दुपट्टा राबिया का, दामाद है सास जी बातें कर रहे हैं। कैसा गुजरा ईद का सेकंड डे? अच्छा शुक्र है, अच्छा गुजरा, आप लोग के घर आ गए है ना। हाँ खाना शाना लग गया, खाना शाना खाते हैं, गर्मा गर्म नान दे दे मेरे को, सामने चने हैं। हम ज्यादा छोटे होते हर संडे के संडे नान चने खाते थे, ये नान चनों के एक अलग ही स्वाद होता था। खरीदने राबिया और फातिमा जाते हैं, बोल बोल के लोगों को स्कीमें बताते हैं। यहाँ पे सब लोग जो है वो खाना वाना खा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट व्लॉगिंग अबाउट थिंग्स। मैं इनको बोल रही हूँ कि चाय आज मैं बना देती हूँ, भाई कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोग मेहमान आए हो हमारा फर्ज यार, आज आपकी भाभी और आपकी बीवी को छुट्टी दे। तुम उनकी इनकार की वजह सुनो, वो पेट नहीं खराब करवाना चाहते। आप तो वैसे भी कॉफी पीते हैं, चाय पियोगी? पियूंगी, चाय पियोगी? पी लूंगा थोड़ी। मामा ऑलरेडी कप पकड़ के बैठी है, नहीं चाय पियोगी? भाई और भाभी ने भी बोल दिया कि वो चाय पी रहे हैं, तो अब हम जा करके चाय बनाते हैं। चलना मेसा किचन में यार, चाशा बना देने, मुझे चाय बनाने का चे भी नहीं आता। राबिया ने भी चाय को चे लगा दिया। नहीं नहीं हीरा को ही ले जाते हैं। चलो हम इनके किचन में तो आ चुके हैं, इनका किचन मुझे काफी न्यू लग रहा है, यहाँ पे कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ बन रही हैं, सामने दाल पड़ी हुई है, इस चूल्हे पे रखते हैं चाय। चीजें तो निकालो तभी पता चलेगा ना, वैसे मैं इनके किचन में नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इनके फ्रिज देखो, देखो कितनी नीट है, तुम लोगों की काचू तो तुम्हारी भी हमारे साथ ही फ्रिज है कि नहीं, तुम्हारी अलग है यार, फ्रिज होती है गंद डालने के लिए। कोई सामान उठाओ, इसमें चाय चाय बनानी है यार, जो बस उनसे इतना खुद और इसमें चाय बनाते हैं, पतीली वो कहाँ पर है। अब इसको कप्स में डालते हैं और सर्व करते हैं। हीरा मैडम तो मुझे अकेली छोड़ के किचन में चली गई, तो फिर मैंने अकेली ने बना ली चाय। जितना चाय को हम यूं यूं करते हैं ना, उतनी ही चाय जो है ना वो ज्यादा डिलीशियस बनती है। ये चाय से पहले आइसक्रीम कौन खाता फिर है, क्योंकि चार लोगों ने ही हामी भरी थी ना। ये एक कप चाय आप सब लोगों के, चाय के साथ भाभी ने यहाँ पे खूब सारी चीजें भी रख दी हैं। सब छोटों को मैं ईदी देनी थी और यहाँ पे छोटू नहीं 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 दिया, और इसकी ये रही ईदी, ईदी मिली ईदी, ईदी ले ली मामा को देकर आपने, वो छोटी मामा को दे रहा है। जैनब जो है ना आपी के घर आके सिर्फ सो जाती है, क्यों उठ, कैसा लग रहा यार, बहुत अच्छा है आपी यार, एक डंडी मिल जाए ना मेरी जिंदगी बन जाए कसम से, एक डंडी मिल जाए, एक डंडी से तेरी जिंदगी बन गई है। लगाया हुआ था कि काश हमारे हस्बैंड भी हमें देते, नीचे लोगों ने कमेंट किया साढ़े हस्बैंड 500 तो बहुत ईदी नहीं है, ए केड़े हस्बैंड ने जड़े बुके बना बना देने दे, मतलब अगली ईद पे नहीं मिलेगा। ईद वाले दिन छोटी सी गेम शेम तो बनती है ना, मेरे हाथ में है ना 30,000 रुपया और मैंने सबको यहाँ पे बिठा लिया पासिंग द पिलो खेलने के लिए, जब मेरी लला लला रुक जाएगी जिसके हाथ में पिलो होगा वो आउट, और जो लास्ट में रह जाएगा ना उसको मिलेगा ये 30,000। स्टार्ट, ला 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 ला, स्टॉप। ओह नो,
अरे भाई की किस्मत में ये पैसे नहीं थे। सबको मेरे मुंह से ही पसंद है। लाल लाल चलो मैं देखूंगा कोई चीटिंग ना करे। आपने जज करना है सबको। स्टॉप। अरे भाई देख रहे थे ना आंटी मम्मी उठ जाओ। तेरा यही गेम होती है मेरी जान के टोटे यही गेम होती है। हीरा उठ जा यार। मैंने 30,000 जीता। चल हीरा कोई बात नहीं यार लूजर्स के साथ खड़ी हो जा जाके। हीरा कोई बात नहीं। तीन हमारे उम्मीदवार रह चुके हैं। तीन उम्मीदवार हमारे हार चुके हैं। नहीं हथे लला लला करके मेरा गला सुकड़ गया है। तुसी कुड़िया ब्लॉग अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को